चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब की बार हम लोग जो आपके लिए लाइव हुए हैं इसमें एसएससी का इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर सामने आए हुए हैं सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि एसएससी एसएससी जो दिनों में कैसे तैयारी करेंगे लास्ट के 30 दिन कैसे आपको पढ़ना है आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि, कि मैथ कैसे पढ़ें मैथ में कैसे हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें रीजनिंग कैसे पढ़ें इसके अलावा जीएस की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करेंगे ठीक है ना तो इस सारे इन सारे क्वेश्चन पे अभी हम डिस्कशन करेंगे इसका बेहतर तरीका क्या होगा ठीक है ना सबसे पहले एग्जाम डेट ये देख लीजिए ये ऑफिशियल न्यूज है ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला नोटिस में दिया है कंबाइंड मतलब सीजीएल 2022 के प्री का एग्जाम की बात कर रहा है टीयर वन ठीक है ना टीयर वन ये जो है एक दिसंबर आ, हाँ एक दिसंबर से तेरह दिसंबर के बीच में होगा यानी एक दिसंबर एक दिसंबर से तेरह दिसंबर के बीच में होगा मेरे भाई सब और ये ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है इसके पहले डेट को लेकर बहुत सारा डाउट की, आ, डाउट एराइज हो रहा था तो अब ये डाउट एकदम क्लियर हो गया है कि आपका एग्जाम एक दिसंबर से स्टार्ट होगा एक दिसंबर से तेरह दिसंबर के बीच में इसके अलावा यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम के बारे में दिया हुआ है तो ये चौदह से सोलह के बीच में होगा ठीक है ना साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी ये जो है ना आपका जो है जब सीजीएल का एग्जाम खत्म होगा तो चौदह से सोलह के बीच में होगा ठीक है अब देखिएगा अब हम लोग ये ये चीज समझेंगे कि अंतिम तीस दिनों में तैयारी कैसे करें देखिए अब हम लोग के पास काफी कम समय है मात्र तीस दिन बचा हुआ है अब की बार ऐसे बहुत बहुत कम समय दिया तैयारी करने के लिए तो ऑबियस है कि इसमें जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयारी करते आए हैं उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा फायदा होने वाला है लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बिगनर है वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते हैं अब की बार सी का खास बात ये है कि अब की बार सीजीएल जो है ना केवल क्वालिफाई नेचर का है ठीक है ना तो ये जो प्री है ना प्री क्वालिफाई नेचर का है अच्छा प्री, प्री अगर क्वालिफाई नेचर का है तो आप लोग अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं हैं जो बिल्कुल है, आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं केवल अगर प्री क्वालिफाई कर जाएंगे ना तो मेंस में आपको एक बार फाइट करने के लिए मौका मिलेगा तो देखिए अंतिम तीस दिनों में तैयारी कैसे करें सबसे पहले आ, रिवीजन कैसे करें और उसके बाद हम लोग हम लोग समझेंगे कि मोक टेस्ट हम लोग कहाँ से लगाएं और मोक टेस्ट में कैसे बेहतर स्कोर करें उसके बाद यहाँ पे अर्थमेटिका जो अर्थमेटिका जो अर्थमेटिक मैथ का जो रिवीजन करना है उसमें कौन कौन से टॉपिक पे विशेष ध्यान हमको देना है एडवांस का तैयारी हमको कैसे करना है कम समय में एक महीना में कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है ना इंग्लिश में कैसे करना है ये सारी चीजों को हम देखेंगे उसके बाद रीजनिंग कैसे करेंगे रीजनिंग के बाद जीएस का हम क्या मेरा रणनीति होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन, रिलेशन हम कैसे समझेंगे इस सब चीजों को देखेंगे भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से देश पे आपका आपका जो पकड़ होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए ताकि जीएस में हम लोग अच्छा स्कोर कर सकेंगे तो चलिए आइए देखते हैं भाई अब देखिए यहाँ पे यहां पे हम आ जाते हैं सबसे पहले रिवीजन तो देखिए हम लोग रिवीजन सबसे पहला पॉइंट तो ये है भाई कि जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है ना उसको पहले रिवीजन करिए जो जो मेन मेन टॉपिक हार्ड है उसको रिवीजन करिए ठीक है।, है ना जैसे मान लीजिए जै रिवीजन में जैसे हम बोलते हैं सीआई हो गया टाइम एंड डिस्टेंस हो गया इस सब का कर रिवीजन करिए अब देखिए अब नया चीज पढ़ने के लिए उतना समय नहीं है आपको रिवीजन करना है जो 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 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए क्विक रिवीजन करिए अच्छा देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन में ना क्वेश्चन को लेकर एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं अब बनाइए नहीं सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर हम ले लेते हैं परसेंटेज तो परसेंटेज में मान लीजिए कि टोटल बत्तीस टाइप का क्वेश्चन होता है बत्तीस टाइप तो बत्तीस टाइप में टाइप वन में जाइए आप और टाइप वन के थीम को समझिए कि टाइप वन में किस तरह का क्वेश्चन आता है टाइप टू में जाइए टाइप टू के थीम को पढ़ लीजिए और उसके कंसेप्ट को देखिए कि टाइप टू में इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसका थीम ये है और इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद से एक सरसरी नजरों से निगाहों से जो है ना जो भी क्वेश्चन देखते जाइए तो ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप पहले करिए देखिए जाइएजन करने के बाद से करने के बाद से आप मोक टेस्ट जैसे हम केवल परसेंटेज का एग्जाम्पल लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल परसेंटेज मतलब परसेंटेज के एग्जाम्पल लिए हैं वही अगर में आइएगा तो मान लीजिए टिग्नोमेट्री में

घंटे चार घंटे के अंदर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का रिविजन करिए क्योंकि अब इंपॉर्टेंट यह है कि जो लास्ट तीस दिन में लास्ट तीस दिन में जो लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे भाई उसी, का, उसी का प्री होने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन क्योंकि इसके पहले वाला इसके पहले आप मान लीजिए छह महीना पहले आप पढ़े भी हैं लेकिन अगर लास्ट के तीस दिन में अगर आप हिम्मत हार जाइएगा गिवअप कर दीजिएगा अगर आप रिविजन नहीं करके जाइएगा तो उस केस में क्या होगा कि आप छह महीना पहले जो पढ़े वो सब कोई भूल जाता है हाँ, उसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट एक माइंड में होगा ठीक है ना लेकिन वो चीज को अगर रिवीजन करके हम नहीं जाएंगे तो एग्जाम में हम एग्जाम में हम बना नहीं पाएंगे स्कोर में नहीं बदल पाएंगे कर, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए रिवीजन एकदम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें ठीक है ना रिवीजन चैप्टर वाइज रिवीजन चैप्टर नंबर वन ये ये टाइप है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा उसको बना के अब बना के समय वेस्ट नहीं करने का है अब एक बार देखते जाए कि हाँ क्या क्या चीज है कैसे कैसे है सीआई में टू इयर्स का क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको अटैम्प्ट लेना है थ्री इयर्स का आता है कैसे अटैम्प लेना है ठीक है ना इस सब चीजों को थोड़ा सा देख लेना डिजिटल सम क्या होता है तो एकदम फास्ट रिविजन अब करना है ठीक है उसके अलावा मोक टेस्ट अब इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट चीज हो जाता है कि मोक टेस्ट हम कैसे लगाए ठीक है ना देखिए तो मोक टेस्ट कैसे लगाएंगे भाई सबसे पहले तो मोक टेस्ट आपका पर डे और पर डे जो है ना पर डे ठीक है ना आप पर डे जो था वन और टू वन और टू तो मोक टेस्ट को पक्का लगाइए मोक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होगा देखिए मोक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए ठीक है ना सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए ठीक है ना पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए और उसके बाद से अपना स्कोर देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है उसके बाद से देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर दिए जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उसको है। है होगा उस आपके पास, आपके पास तो उस क्वेश्चन का थ्योरी क्या है एक बार को अच्छे से उसको रिवाइज करिए क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली या थ्योरी आपका हो सकता है कि कंसेप्चुअली या थ्योरी वाइज जो है हो सकता है कि आप थोड़ा सा वहां पे जो है ना मिस कर रहे हैं कुछ बच्चों का कैलकुलेशन स्पीड के कैलकुलेशन uh, में कहीं 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 थोड़ा सा स्लिम मिस्टेक हो जाता है इसके वजह से गलत होता है तो आप, आप ये भी ध्यान दें कि अगर कैलकुलेशन के वजह से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन में अगले बार हम थोड़ा बेहतर ध्यान दें बेहतर तरीका से कैलकुलेशन करें ताकि कम से कम गलत हो ठीक है ना उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उसके बाद से तो पहले आप खुद अटैम्प लें और उसके बाद उसका डिस्कशन या सॉल्यूशन को देखिए इस तरह से करेंगे तो जाके बेहतर होगा और जो क्वेश्चन गलती होता है उसको तो एकदम थ्योरी एक बार देखिए ही और साथ में कैलकुलेशन में गलत होता है तो उसको कीजिए कैलकुलेशन वाले पार्ट को भी थोड़ा सही करिए देखिए अब जो है देखिए मोक टेस्ट लगाने के समय आपको जो था जितना भी इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक है उसको अब यूज एकदम लाना चाहिए इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन होता है कि केवल मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाता है तो आपको पूरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बहुत बार क्या होता है कि इकाई अंक तो अलग है तो केवल इकाई अंक से आपका काम चलेगा अगर डिजिटल सम चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है तो डिजिटल सम आप लगा सकते हैं ठीक है, है ना तो बहुत सारा टेक्निक होता है अप्रोक्सीमेशन अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि चारों ऑप्शन में गैप ठीक ठाक है तो देख पता चलता है कि लगभग क्या आंसर होना चाहिए तो सारे चीजों को करके तब मोक टेस्ट लगाइए अब सवाल ये उठता है कि मोक टेस्ट कहाँ से लगाए देखिये मोक टेस्ट लगाने के लिए आप एक टेस्ट बुक पे तो लगा ही सकते हैं ऑनलाइन लगाना चाहते हैं तो इसके अलावा आप ओ लाइफ बोर्ड करके आता है वो लाइव बोर्ड पे जाइए और वहां से भी टेस्ट बुक लगा आ, टेस्ट लगाइए मोक टेस्ट लगाइए और वो भी बेहतर बेहतर देता है ठीक है ना अब हम लोग आते हैं अर्थमेटिक मैथ अर्थमेटिक अर्थमेटिक मैथ्स में रिवीजन तो देखिए सबसे पहले रिवीजन करना है परसेंटेज का जैसे परसेंटेज में मान लीजिए हमने बोला कि मान लीजिए कि बत्तीस टाइप है तो बत्तीस टाइप में टाइप नंबर वन क्या है टाइप नंबर टू क्या है टाइप थ्री क्या है वैसे वैसे कर करके कर आप देखते जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में मान लीजिए कि टोटल बीस बीस टाइप का क्वेश्चन आता है तो टाइप वन ऐसे बनेगा टाइप टू ऐसे बनेगा टाइप थ्री ऐसे बनेगा ठीक है ना इस चीज़ को ध्यान रखना है ठीक है ना उसके बाद से ना मतलब कॉपी जो है आपका जो क्लास नोट्स है ना उसको अच्छे से रिवाइज करिए में वही बात हो गया ठीक है ना जैसे एवरेज एवरेज को एकदम देख, देख के जाना है एवरेज से आजकल क्वेश्चन पूछता ही है ठीक है ना अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है तो टाइम एंड डिस्टेंस में भी पूरा जितने भी तरह का क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए कि एवरेज स्पीड निकालना तो एवरेज स्पीड कौन कौन से कंडीशन में निकालना कभी कभी डिस्टेंस इक्वल होता है दो डिस्टेंस होता है तो मान लीजिए वहां पे कैसे निकालेंगे थ्री डिस्टेंस इक्वल होता है तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस में रेशियो कुछ दे देगा तो कैसे निकालेंगे 를... कभी कभी टाइम इक्वल होगा तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे कभी 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 टाइम में कोई रिलेशन दे देगा तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे उसके बाद से एवरेज स्पीड जब कोई रिलेशन नहीं देता है तो नॉर्मल फार्मूला लगा के कैसे हम लोग कैसे जो होता है एवरेज स्पीड निकालेंगे उसके बाद से मान लीजिए इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कभी, कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो डिस्टेंस जब कॉन्स्टेंट होगा तो भी और टी में उल्टा रिलेशन होता है तो इस इसपे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बाद से जब टाइम बराबर होगा तो टाइम बराबर होगा तो डिस्टेंस और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पर क्या क्या रिलेशन बनेगा कौन कौन सा क्वेश्चन आता है ठीक है ना ऐसे ही मान लीजिए कि जब जब वेलोसिटी इक्वल होगा तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन बनेगा उससे कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है ये सारा चीज हम टाइम एंड डिस्टेंस में देखेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस जब आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे ही आप बोट एंड स्ट्रीम को देख लीजिए रिलेटिव हिलोसिटी को रिलेटिव स्पीड के को बढ़िया से से समझ लीजिए साथ में रिलेटिव क्या क्या तरह का क्वेश्चन आता है वो सब अलग अलग टाइप करके हम भी होंगे ठीक है ना उस सब को देख लीजिएगा उसके बाद से ना हाँ उसके बाद से मान लीजिए कि इसमें बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आता है उसको कैसे बनाना है साथ में आपको जोता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन ट्रेन में कब ट्रेन में जो भी केस बनता है वो सारे केस को पढ़ लेना है जैसे ट्रेन में बहुत तरह का केस बनता है कभी कभी एक पोल होता है उसको एक ट्रेन क्रॉस कर रही होती है कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी खड़ा होता है उसको ट्रेन क्रॉस कर होती है कभी कभी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है कभी कभी दो ट्रेन जो होता है सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है कभी कभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ एक आदमी को कैसे क्रॉस करेगा ठीक है ना तो ये सब चीज जो भी चीज है ठीक है ना इसके अलावा मान लीजिए कि हाँ कभी कभी ट्रेन जो है सुरंग को कैसे क्रॉस करेगा कितने समय में क्रॉस करेगा तो ये सभी चीजों का अच्छे से एक बार जो टाइप वाइज करके पढ़ाया गया है उसको एक बार जल्दी जल्दी में थ्योरी को रिकॉल करना है रिविजन करना है एवरेज में ओवरलैपिंग वाला डाटा ओवरलैपिंग होता है कभी कभी क्या होता है कि डाटा में बीच वाला पूछ देता है ठीक है ना गैप वाला डाटा होता है नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन होता है ये सब देख लेना नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है नंबर का एवरेज क्या होता है

कि रेशो एंड प्रोपर्सन से रिलेटेड जितने तरह का क्वेश्चन हम करवाए हैं या थ्योरी को पूरा का पूरा देख देख लीजिए कम समय में बनना चाहिए टाइम टाइम एंड एंड वर्क वर्क अच्छे से करना है एंड वर्क के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा तो टाइम एंड वर्क के बाद से पाइप एंड उसके साथ में आ जाएगा वर्क एंड वेजेज ये तीनों चैप्टर एक साथ में आप चाहेंगे तो चार घंटे के अंदर रिविजन कर सकते हैं देखिए टाइम एंड टाइम एंड वर्क को थोड़ा बेहतरीन तरीके से रिविजन कर लीजिए जब पाइप आएगा तो उसमें कुछ अलग क्वेश्चन पूछता है जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि जब कभी -कभी, भरने वाला पाइप देगा, कभी कभी खाली करने वाला पाइप देगा, तो लीजिएगा उसके बाद इसमें दे छिद्र वाला क्वेश्चन होल वाला कि एक जोता है बर्तन है या देगा टंकी है टंकी में एक छिद्र हो गया तो छिद्र होने से छिद्र कितने देर में टंकी को खाली कर देगा इस पे क्वेश्चन आता है वहां पे एंड एंड टाइम वर्क जो है ना इससे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे होता है तो बनाने का तरीका क्या होगा उस सब पार्ट को देख लेना है अल्टरनेट वेज अल्टरनेट वेज वाला वाला डेज जो क्वेश्चन आता है वो सब देख लेना आप लोगों को उसके बाद से आइएगा तो मिशन एंड एलिगेशन देखिए अगर आप यहाँ परसेंटेज सही से कवर किए हुए हैं प्रॉफिट लॉस सही से कवर किए हैं तो मिशन एंड एलिगेशन का कंसेप्ट तो यहीं से यूज होने लगता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको अलग से पढ़ना नहीं है मिशन एलिगेशन नॉर्मल वाला लगा, सब कोई बनाता है बस इसमें एलिगेशन वाले पार्ट को थोड़ा देख लेना है कि जब दूध और पानी का मिश्रण है एक दूसरे बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कैसे होगा क्या होगा साथ में रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा रिविजन कर लेना है तो ये सारे चीजों को रिविजन कर लेना है ताकि जो है मिशन एलिगेशन का क्वेश्चन आपसे ना छूटे ठीक है ना वन थिंग कॉन्स्टेंट जब एक चीज इसमें कॉन्स्टेंट होता है जैसे दूध पानी है दूध पानी का मिश्रण है दूध मिलाएंगे या पानी मिलाएंगे तो दूध कॉन्स्टेंट होगा दूध मिलाएंगे तो पानी कॉन्स्टेंट होगा एक रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन में एलिगेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा मिश्रण तो इधर से ही कवर होते आएगा स्टॉक शेयर एक अलग तरह का टॉपिक है हमारे हिसाब से स्टॉक शेयर छोड़ के जाना उचित नहीं होगा कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ से दे देता है तो ये क्वेश्चन को कवर करके जाइएगा मैंने पढ़ के रिविजन करके जाइएगा तो ही बनेगा अदरवाइज छूट जाएगा ठीक है ना एडवांस मैथ पे हम लोग आते हैं दोस्त देखिए मेरे भाई देखिए एडवांस मैथ में टिग्रोमेट्री का पूरा आपके पास कॉपी है उस कॉपी को जो है ना टाइप वन क्या है टाइप टू क्या है टाइप थ्री क्या है उसको पूरा सारी नजर से देख जाइए अगर हम बात करें ज्योमेट्री का तो ज्योमेट्री में टोटल जितना भी थ्योरी है थ्योरी को पूरा अच्छे से पढ़िए थ्योरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरी ठीक है ना जैसे ज्योमेट्री ज्योमेट्री का अगर थ्योरी आपको पता है अच्छे से ठीक है ना थ्योरी अगर अच्छे से पता पता है तो हमको लगता है इस प्रॉब्लम को आप बना ही लेंगे थ्योरी में जैसे मान लीजिए होता है ना कि जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री में ऐसे दे दिया एक सर्कल है तो दो इसमें जीवा है पौड़ है तो आप जानते होंगे दिस 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 गुणे गुणे बराबर तो ये कैसे अप्लाई करना है ये थोड़ा सा देख लेना है ज्योमेट्री में एलजेब्रा इंपॉर्टेंट है एलजेब्रा का सारा फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना है कैसे हम लोअर पावर से हायर पावर पे जाते हैं कैसे हायर से लोअर पावर पे आते हैं ठीक है ना कैसे जो होता है सेम पावर पे प्लस से माइनस पे जाते हैं माइनस से प्लस पे आते हैं कैसे क्यूब करते हुए ऊपर बढ़ते हैं कैसे क्यूब रूट निकालते हुए नीचे आते हैं ठीक है ना तो ये सब चीज देख लीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस छोटा सा टॉपिक है इसमें थोड़ा सा रेशो रेशो याद रखिएगा ज्योमेट्री का भी वही है थ्योरी को फटाक -फटाक रिवीजन कर लीजिएगा डीआई में देखिए डीआई के लिए फिर आपको जो था कमर्शियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रेशियो परसेंटेज रेशियो परसेंटेज अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप डीआई का क्वेश्चन बना लीजिएगा डीआई कोई हार्ड नहीं होता है ठीक है ना तो थ्योरी को रिवीजन कर लेना है और रिवीजन करने के बाद ना अब हम लोग पढ़ चुके हैं जहां भी पढ़ चुके हैं है, उसका थ्योरी को रिवीजन करिए अच्छा थ्योरी रिवीजन बैठ के नहीं करिए थोड़ा तो सा तेजी में चलते हुए टहलते तो हुए कि नाउन है तो नाउन में रूल नंबर वन ये है उसका ये एग्जांपल है रूल नंबर टू है उसका ये एग्जाम्पल है रूल नंबर थ्री इसका ये एग्जाम्पल है रूल नंबर फोर उसका ये एग्जाम्पल है, है तो तुरंत तुरंत नाउन कवर करेंगे प्रोनाउन करेंगे ऐसे करके सारे थ्योरी को एक बार रिकॉल करिए रिवाइज करिए उसके बाद से भोकेब सेक्शन को क्या कीजिएगा तो देखिए एक ब्लैक बुक आती है ठीक है ना ब्लैक बुक आती है क्यूमेथ एक चैनल है वहां पे ब्लैक बुक करके बुक आती है उसे भोकेब आप देख लीजिए इसके अलावा एमबी का जो न्यू बुक है ना एमबी का न्यू बुक न्यू बुक में दो सेट दिया हुआ है तो 209 सेट को अच्छे से बनाइए और इसके जितना भी है जितना भी वर्ड ये लेटेस्ट अभी पूछा गया है 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 209 सेट ठीक ना तो इस बुक को आप ले लीजिए और इस बुक को अच्छे से एक एक सेट करके बनाइए और इसके सारे वर्ड्स को जितना भी एंटो आता है जितना भी साइनो आता है जितना भी वन वर्ड सब्सिच्यूशन आता है ये सारे को आप लोग अच्छे से जो है ना एक बार देख लीजिए और देख नहीं लीजिए बल्कि याद करते जाइए तेजी में एकदम टेस्ट लगाइए तो एम का ये 209 209 सेट हमारे हिसाब से सफिसियंट है ऑफलाइन सेट लगाते हैं तो जो लोग ऑनलाइन लगाते हैं ऑनलाइन से बेहतर आउटपुट जो जो है है ऑफलाइन ऑफलाइन में में आएगा क्योंकि सेट लगाइए उस वर्ड वर्ड को जो आपको याद नहीं है, उसको अच्छे से रिविजन करिए मतलब याद कर लीजिए कॉम्प्रिहेंशन को बढ़िया से देखिए ठीक है ना और कुछ मॉक टेस्ट जो है फुल लेंथ का लगाइएगा ऑनलाइन में तो वहां से आपको ऑनलाइन लगाने का प्रैक्टिस हो ही जाएगा लेकिन इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में सहूलियत मिलेगा मेरे हिसाब से कि जैसे आप मान लीजिए पहला सेट किताब में उलाट के देख लगाए और लगाने के बाद आप टिक किए उसके बाद उसको पढ़िए जहां जहाँ गलती है उसको सुधारिए रिविजन करिए ठीक है ना फिलर्स को सही से देख लीजिए और अगर आपका ग्रामर पोर्सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लिए है तो यहाँ का आपको जो है ये सब बनेगा ही ठीक है ना कॉमन एरर ये सब बनेगा ही बाकी ऐसे करके कीजिए तो इंग्लिश आपका सही हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद हम रीजनिंग में आते हैं देखिए रीजनिंग में बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है मोक टेस्ट आप जो है हर दिन कम से कम एक सेट लगाइए पर डे वन सेट अगर रीजनिंग आज से भी लगाते हैं तो तीस दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है तीस दिन में अगर मान लीजिए कि तीस सेट भी लगा लेते हैं ना तो रीजनिंग में आप पच्चीस में तेईस चौबीस स्कोर कर सकते हैं और तेईस चौबीस स्कोर कर सकते हैं इसके अलावा कुछ रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता होगा तो आप रि रिविजन कर लीजिए साइलो देख लीजिए आप पजल देख लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए

ब्लड रिलेशन वहां से पढ़ करके बाद लगाइएगा तो ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन कोई, आप, आप कोई मोक लगा रहे हैं उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो सिटिंग अरेंजमेंट का हमारे चैनल पे भी संजीव सर जो था बिहार एसएससी के लिए डाले हुए हैं वहां से जाकर देख लीजिए और सिटिंग अरेंजमेंट वहां से देख लीजिए या कहीं और चैनल पे भी आप देख लीजिए कहीं भी देखकर सीटिंग अरेंजमेंट का थ्योरी जो होता है एक घंटा सवा घंटा में वन पॉइंट फाइव एक्स स्पीड करके उसको देख लेना है और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है तो इससे क्या होगा कि हर मॉक टेस्ट में जो जो आपका चैप्टर जो चैप्टर वीक होगा उसका रिविजन भी आप करते जा रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे स्कोर आपका बढ़ जाएगा अब देखिये मेन पार्ट है जीएस देखिए सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है जीएस में क्या आखिर जीएस की तैयारी कैसे करें हम लोग तो देखिए हमारे हिसाब से जीएस की तैयारी कैसे करना चाहिए हम उसको आपको समझा देते हैं देखिए जीएस के लिए देखिए जीएस में ऐसा ऐसा माना जाता है कि एसएससी का बच्चा में एसएससी का बच्चा जो है कोई भी बच्चा जो है ना पच्चीस में बीस से ज्यादा स्कोर नहीं करता इनफैक्ट अठारह भी स्कोर आप कर लेते हैं जीएस में तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर माना जाता है लेकिन कम समय में लास्ट के तीस दिनों में कैसे हम लोग जीएस में अच्छा स्कोर कर पाए क्या क्या चीज देख के जाए जिससे कि जीएस में अच्छा स्कोर हो जाए तो इसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं वो सब पोर्सन आप देख के जाइए जीएस में आपका शायद स्कोर अच्छा हो जाएगा देखिए सबसे पहले इंडिया के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए इंडिया का जितना भी स्टेट है एक एक स्टेट करके आप अच्छे से पढ़िए जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं ए, सेवन सिस्टर से सेवन सिस्टर मतलब वो सब नागालैंड त्रिपुरा वगैरह जो है उसका एक एक स्टेट को लेकर पढ़िए ठीक है ना तो नागालैंड और जो भी स्टेट आप चूज करके पढ़ाई कर रहे हैं जैसे मान लीजिए नागालैंड पढ़े तो नागालैंड में प्रसिद्ध क्या क्या चीज है उसको एकदम पढ़िए बढ़िया से उसका नृत्य देख लीजिए उसका कला संस्कृति क्या है राजधानी क्या है नागालैंड का बाउंड्री जो है किसको किसको टच करता है ये सब देख लीजिए नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ का प्रमुख खदान क्या है वहाँ के लोग जोता है वहाँ के लोग जो है मतलब ये वहाँ पे कौन सा झील है लेक है ये सब देख सकते हैं पठार कौन सा है पहाड़ कौन सा है एरिया उसका क्या है फसल क्या है एरिया के आधार पर नागालैंड का कौन सा पोजिशन है इस तरह से थोड़ा सोच लीजिए इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि वहां से उस नागालैंड में कौन कौन सी रिवर है कौन कौन सी रिवर है कौन कौन सी रिवर वहां से निकलती है और मतलब रिवर के बारे में जो भी उस स्टेट से रिलेटेड है उसको देख लीजिए जैसे हम एक बात करें अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आ जाते हैं जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप हो गया तो यहाँ पे इंडिया का मैप हो गया भाई ठीक है तो <laughs>. इंडिया का मैप में जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले सबसे तो पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए लोग जैसे हम इसकी बात कर रहे थे सेवन सिस्टर्स की बात कर रहे थे यहाँ पे जैसे मान लीजिए नागालैंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे भाई लोग मेरे नागालैंड लिखा हुआ है देखिएगा जैसे यहाँ पे नागालैंड लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए जै, नागालैंड लिखा हुआ है तो ये जो नागालैंड है ये देखिए रेड कलर का नागालैंड है तो आपको ये समझना चाहिए कि नागालैंड जो है म्यांमार बर्मा से कनेक्टेड है यहाँ पे नागालैंड का बाउंड्री जो है जैसे यहाँ मणिपुर से कनेक्टेड है इधर देख लीजिएगा तो अरुणाचल प्रदेश से भी कनेक्टेड है देखिए यहाँ पे अरुणाचल अर प्रदेश से भी कनेक्टेड है इधर आसाम से भी ये कनेक्टेड है ठीक है ना इधर आसाम तो कुल मिला के ये मणिपुर जो नागालैंड है ये देखिएगा तो इंडिया में कनेक्टेड है मणिपुर से आसाम से इधर अरुणाचल प्रदेश से और फिर इधर देखिएगा तो आपको म्यांमार से कनेक्टेड है तो म्यांमार से कनेक्टेड है तो ये नागालैंड के बारे में अच्छे से एकदम देख लेना है तो ऐसे कर कर के मान लीजिए तीन स्टेट पर डे कवर करते चलिए या इम्पोर्टेंट झील क्या है ये सब आपको मिल जाएगा नेट पे भी आप सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा ठीक है ना और हम जस्ट एक आइडिया बता रहे हैं कि हाउ टू कवर सिलेबस इन जस्ट थर्टी डेज यानी तीस दिनों में हम सिलेबस को कवर करें एंड अपने ए स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें इसको हम आपको बताने का जस्ट एक प्रयास कर रहे हैं ठीक है ना अब जैसे मान लीजिए कि आप उसके बाद से नागालैंड के बाद से मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश पढ़े भूटान भूटान तो खैर अलग देश हो गया असम पढ़े मेघालय पढ़े तो ये सब त्रिपुरा पढ़े मिजोरम पढ़े मणिपुर पढ़े उसके बाद से बिहार के बारे में पढ़े देखिए अब इधर साउथ में आप आ जाइए तो साउथ में जैसे अगर आप साउथ में आइएगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे केरला है भाई ठीक है ना तो जैसे यहाँ पे आपका केरला है तो केरला को अच्छे से पढ़ लिया कि केरला का भाषा जैसे कि मलयालम यहाँ पे बोला जाता है यहाँ का डांस कौन सा है शायद कथक यहाँ का डांस है ठीक है ना यहाँ का जो फोक डांस है वो कथक है उसके बाद से ये केरला जो है ये कौन सा है ये कौन सा? इसको क्या बोलते हैं इसको मलावाड तट बोला जाता है शायद मलावाड़ तट बोलते हैं इसको तो इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए आप लोग को ठीक है ना केरला की राजधानी कहाँ है केरला में क्या क्या मेन वहां का फसल क्या है ठीक है ना तो ये सारे चीजों को ए, लिटरेस, ए, लिटरेसी रेट क्या है वहां का तो ये सब चीज को बढ़िया से हर स्टेट का देख लीजिए अब देखिए एक बार जब ये कंप्लीट हो जाता है ना लोग एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से आपको क्या करना चाहिए देखिए तो ये सभी स्टेट के बारे में अच्छे से एक बार देख लीजिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे तो इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कि कौन से इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना कौन से इंडिया का रिलेशन कौन से करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए कौन कौन से मतलब कंट्री के साथ कैसा अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है इंपॉर्टेंट कौन कौन सा ट्रेड होता है ठीक है ना उसके बाद से इंडिया का रिलेशन श्रीलंका के साथ कैसा है इंडिया का रिलेशन जो है आप देख सकते हैं कि रशिया के साथ कैसा है जैसे सब लोग बोलते हैं कि रशिया हमारा हमेशा एक भारत का भारत का सबसे करीबी मित्र माना जाता है तो उसे किस किस तरह का समझौता हुआ है ठीक है ना तो ये इंटरनेशनल रिलेशन आप देख लीजिए करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है छह से बारह महीना का जो भी करेंट करेंट अफेयर है उसको पक्का देख के आपको जाना चाहिए इससे आपका स्कोर काफी बढ़ेगा ठीक है ना उसके बाद आ जाइए हमारे पड़ोसी देश अब हम बात करते हैं पड़ोसी देश पे तो भाई हम लोग का जो पड़ोसी देश है पड़ोसी देश में जैसे नेपाल है म्यांमार है अफगानिस्तान है पाकिस्तान है तिब्बत है चाइना है है बांग्लादेश मालदीव है और आपका श्रीलंका है 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 तो जो हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी जो हमारा हमारा पड़ोसी पड़ोसी राज्य सॉरी देश है, उस देश उस के बारे में अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ठीक है ना कि चाइना के साथ कौन कौन सा जैसे चाइना के साथ कौन कौन सा समझौता हुआ कब लड़ाई हुआ था उसके बारे में पूछ सकता है बांग्लादेश मालदीव जैसे हम एक यहाँ पे अगर आपको दिखाने का कोशिश करें देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए तो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान का सीमा यहाँ देखिए लद्दाख से लगा हुआ है पाकिस्तान यहाँ जम्मू कश्मीर ठीक है ना ये सब पाकिस्तान के बारे में देख लीजिए उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए मालदीव के बारे में देख सकते हैं आप लोग ठीक है ना उसके बाद से ना आप देख सकते हैं म्यांमार के बारे में बांग्लादेश हो गया यहाँ पे चाइना को देख लीजिए आप लोग अच्छे से ठीक है ना ये सब चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है ना यहाँ पे देखिए सब चीज दिया हुआ है कौन कौन सा लैंग्वेज कहाँ पे बोला जाता है ठीक है ना जैसे यहाँ पे दिया है जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर का देखिए दिया हुआ है कि कश्मीरी यहाँ पे मेजर लैंग्वेज स्पोकन है अदर लैंग्वेज यहाँ पे जैसे दिया है कि यहाँ पे डोगरी और हिंदू हिंदी बोली जाती है तो ये सब चीज को देख लेना है ठीक है उसके बाद से उसके बाद से हम आते हैं यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए कि नेबरिंग कंट्री इंडिया का जो भी नेबरिंग कंट्री है ठीक है ना जैसे पाकिस्तान चाइना भूटान ये सब के बारे में थोड़ा सा देख ही लीजिएगा आप लोग ठीक है ना और क्या बताएं विशेष ये सब देख लेना आपको ठीक है तो इस तरह से तैयारी आप कीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए मैक्सिमम मोक टेस्ट लगाने के लिए और फिर कमेंट में हाँ एक बार जल्दी से जाकर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बात और ध्यान दीजिए अगर आपको इस वीडियो के बारे में और भी कुछ अगर आपको पूछना है हमसे जानना है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा ताकि वो चीज पे हम अगला वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि आप और कैसे बेहतर कर सकते हैं जय हिंद तब तब तक के लिए जय हिंद मिलते हैं अगले क्लास में बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल